तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। भारत का समाज बुनियादी रूप से प्रेम के विरोध है। किसी को प्रेम ना हो जाए या किसी और जाति में शादी ना हो जाए, इसकी आशंका से परेशान रहता है और डरा रहता है अपना समाज। एक ऐसा समाज जो सोते जागते हिंदी सिनेमा में प्रेम गीत सुनता है, पर समाज प्रेम से डरता है। इसी का नाम है लव जिहाद। वैसे तो ये हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस का हिस्सा है। बात यही है कि किसी को यकीन है कि भारत के समाज को हिंदू बना मुस्लिम का भूत से अभी और डराया जा सकता है। ये कुछ और नहीं है, भारतीय समाज में उनके एकाधिकार का उद्घोष। शादी कौन करेगा और किससे करेगा, ये मर्द तय करेंगे। औरतों के एकाधिकार का मुद्दा ये है कि लव जिहाद लड़कियों पर हो रहे बलात्कार किसी को नजर नहीं आ रहे, पर लव जिहाद सबको नजर आता है। केरल में लव जिहाद का भूत खड़ा किया गया था और बाद में जब मामला शांत हुआ तो संसद में कह दिया गया कि केरल में भी कोई लव जिहाद नहीं है और ना ही इसकी कोई कानूनी परिभाषा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। बात करते हैं लव जिहाद चालू कहां से हुआ। केरल का हादिया केस 2016 से 2018 के बीच, इस केस में आतंकवादियों की जांच करने वाली एजेंसी NI भी इसमें शामिल कर दी गई थी, जिसने 2 साल बाद कहा कि लव जिहाद का कुछ सबूत ही नहीं मिला। 24 साल की अखिला ने इस्लाम अपना लिया और जान से शादी कर ली। इसे लव जिहाद कह दिया गया। हादिया ने सुप्रीम कोर्ट को खुली अदालत में बुलाकर पूछा और वापस पढ़ने के लिए बोल दिया गया। कोर्ट ने कहा है, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को प्यार करने और अपराधी के साथ कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को प्यार करने और अपराधी से शादी करने में रोक दिया जाए। 2017 में हादिया की शादी को लेकर इस केस को खारिज कर दिया गया और इसे माता पिता के कस्टडी में भेजा। हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना तो हुई, लेकिन उसकी टिप्पणी से भी लोग हतप्रभ हो गए कि कोर्ट ने ऐसा कैसा लिख दिया। 24 साल की लड़की कमजोर है और पूरी तरह से शोषित हो सकती है और उसके जीवन का फैसला माता पिता के अनुमति के साथ ही लिया जा सकता है। उसके बाद हादिया ने अपने पति के साथ रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कार्रवाई की। हादिया ने कोर्ट में कहा कि जीवन साथी और धर्म के बारे में फैसला उसका अपना था। केरल हाईकोर्ट ने उसकी नहीं सुनी और हादिया की जीत हुई। संविधान के हिसाब से भारत का हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने पार्टनर की चॉइस के लिए भारत का हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद के मामले में कानून लाया जाएगा। हरियाणा को भी सरकार लव जिहाद के ऊपर विचार विमर्श कर रही है। जल्द ही इसके विपक्ष में भी कानून लाया जाएगा।